हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एक सोल ट्री का शॉपिंग हॉल। जी हाँ, मैंने कुछ सोल ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगवाए थे, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या प्रोडक्ट मंगाए हैं और मुझे क्या ऑफर में मिला है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और मुझे जो बॉक्स मिला है वो इस तरह का बॉक्स है, आप देख सकते हैं, और इस तरह का कार्डबोर्ड बॉक्स है और इसमें मुझे सामान मिले हैं। एंड साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जो मुझे सामान मिला है ये ऊपर ही ऊपर इसका बिल बुक रखा हुआ है जिसमें सारी डिटेलिंग लिखी हुई है। एंड इसके ऊपर एक बबल रैपिंग पॉलीथीन आई थी जिसमें कुछ प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट पैकिंग नहीं थे, सिर्फ ऊपर रखी हुई थी, तो आई डोंट थिंक सो कि उससे प्रोडक्ट इतना अच्छे से सेफ रहते होंगे। एंड फर्स्ट मैंने जो ऑर्डर किया है वो मैंने किया है फेस केयर किट। जी हाँ, इस तरह की प्लास्टिक पॉलीथीन में फेस केयर किट आया है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का एक छोटा सा पाउच है, आप देख सकते हैं, और इसे मैं आपको लास्टली ओपन करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको बता देती हूँ। हाँ, इसकी प्राइस 250 रुपये है। इसमें बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स हैं आपके फेस केयर रूटीन के लिए, एंड माय अनदर प्रोडक्ट इज़ हेयर केयर प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल किट, आप देख सकते हैं, इस तरह के पॉलीथीन में आया है ये। और इस तरह का ये भी एक छोटा पाउच है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी हेयर केयर रूटीन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो 250 रुपीज़। और मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरा बताती हूँ। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सोल ट्री इंडियन रोज फेस वॉश विथ टर्मरिक एंड हनी फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन। दिस इज़ द फेस वॉश, आप देख सकते हैं, और 120 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ 375 रुपये हैं। एंड सोल ट्री के सारे प्रोडक्ट हर्बल होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं स्किन के लिए, ऐसा मैंने सुना है, देखते हैं यूज़ करके। और इन सभी प्रोडक्ट के ना इंडिविजुअल रिव्यू मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊँगी आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट था। और उसके बाद मैंने जो ऑर्डर किया है वो मैंने किया है लिप बाम। जी हाँ, दिस इज़ द लिप बाम कैलेंडुला एंड हनी विद ऑर्गेनिक घी एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। हाँ, दिस इज़ द लिप बाम, और मैं इसे आपको बिल्कुल ओपन करके दिखाना चाहूँगी बिकॉज ये प्रोडक्ट मैं एक बार ओपन कर चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के इंडिविजुअल प्रोडक्ट बिल्कुल भी बबल रैपिंग में नहीं आए हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल थोड़ा सा ये डैमेज्ड मुझे मिला है। इस तरह का ये लिप बाम है, आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको, ये इस तरह से मुझे डैमेज्ड कंडीशन में मिला है। सो आई एम रियल डिसअपॉइंटिंग इनकी। आई थिंक कि सोल्ट्री वालों को थोड़ा सा अपना जो पैकिंग करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बिकॉज नायका मिंत्रा ये जो प्रोडक्ट सेंड करते हैं ना वो बहुत ही अच्छे तरह से पैक्ड होते हैं, ईच प्रोडक्ट विद सेफ्टी पैक होता है। सो आई थिंक इनको उनसे ही कुछ सीखना चाहिए सबसे पहले। और माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ सोल ट्री हैंड एंड फुट क्रीम। जी हाँ, दिस इज़ द प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ट्यूब पैकेजिंग में है और इस तरह से सील्ड पैक आया है। एंड मैं आपको बता दूँ, सारे ही प्रोडक्ट इस तरह से यहाँ पर आप देख सक रहे हैं, येलो कलर की एक कागज़ जिसे बोल सकते हैं, तो इस तरह से सील्ड पैक आए थे। इसकी सील्ड पैक मैंने ओपन करी है एक बार, और दिस और ये इस तरह से सील्ड पैक है, मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया है। सो और इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 395 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और लिप बाम की प्राइस मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी, इसकी लिप बाम की प्राइस है 295, ऑलमोस्ट 300 रुपीज़, एंड ये प्रोडक्ट डैमेज मिला है। सो दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग, एंड देखते हैं यूज़ करने के बाद कि इसका रिजल्ट क्या रहता है, कि इस प्रोडक्ट की वर्थ है या नहीं। और साथ ही ये जो हैंड क्रीम और फुट क्रीम है वो है 100 ग्राम क्वांटिटी है इसकी, एंड इनका भी जल्दी से जल्दी रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और उससे पहले मैं अब आपको बता देती हूँ, मुझे इन सारी अप्रोक्स 1400 की शॉपिंग मेरा बिल जो बना था वो बना था अप्रोक्स 1560 रुपये अप्रोक्स इनका बिल बना था। एंड उसमें ऑफ़र था सोल ट्री पे ऑफिशियल वेबसाइट पे कि अगर आप 1300-1400 तक की शॉपिंग करते हैं तो आपको मिनिएचर 16 लिपस्टिक का सेट गिफ्ट मिलेगा। सो मुझे मिला है मिनिएचर लिपस्टिक, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। और मैंने अभी तक इसे ओपन ज़रूर कर दिया है, इस तरह की सील्ड पैक आती है,
मैंने इसे ओपन ज़रूर किया है बट अभी तक इसकी पैकिंग खोली नहीं है, और यू नो व्हाट, शॉपिंग करने के बाद मुझसे वेट हो नहीं पाता है, तो मैंने इसे एक बार ओपन करके देख लिया है और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह का मिनिएचर मिला है मुझे, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक्स है, बहुत ही मिनी लिपस्टिक हैं, बहुत ही छोटी हैं हालांकि, बट देखते हैं इसमें 16 शेड्स हैं तो ट्रैवलिंग पर्पज़ से आई थिंक अच्छी होंगी। और ये काफ़ी हर्बल लिपस्टिक हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करती हैं, नेचुरली बनाया गया है ऐसा इसमें मैंशनड है। सो देखते हैं इनको यूज़ करने के बाद कि ये कितनी हेल्पफुल होती है, कितनी वर्थ है इनकी। तो लेट्स स्टार्ट द पाउच, मैं आपको पाउच ओपन करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फेस पाउच, फेस केयर पाउच, तो मैं इसे ओपन करती हूँ। तो सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट निकला है इंडियन रोज़ फेस वॉश, जी हाँ, जो बड़ी पैकेजिंग मैंने आपको बताई थी इसी का मिनी पैक इसमें आया है रोज़ फेस वॉश का, और ये 30 ml प्रोडक्ट क्वान्टिटी है और ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। आई थिंक 30 प्रोडक्ट क्वांटिटी 1 week के लिए इनफ होता है। और साथ ही इसमें मिला है क्लिंजिंग लोशन, एलोवेरा एंड रोज़ वाटर विद स्किन टोनिंग लिकोराइज, दिस इज़ द लोशन। और ये सभी ना छोटे छोटे पैक हैं, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आपको सैम्पल भी मंगाने हैं सोल्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट के, तो 250 रुपये में ये 3 सैम्पल आपको मिल सकते हैं, और इन सभी की बड़ी पैकेजिंग भी अवेलेबल है। मुझे सोल्ट्री में एक रोज़ टोनर और मंगवाना था बट वो रेगुलरली ऑन नायका ऑन सोल्ट्री ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। एंड नेक्स्ट फेस केयर प्रोडक्ट इज़ फेस स्क्रब, दिस इज़ द फेस स्क्रब, और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 25 ग्राम है, छोटी सी ट्यूब पैकेजिंग है, तो ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये थे मेरे फेस केयर का पाउच, एंड नाउ मैं आपको बता देती हूँ अपना हेयर केयर का पाउच, जी हाँ। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें सबसे पहले की जो बॉटल निकली है वो निकली है लिकोराइज हेयर रिपेयर शैम्पू, दिस इज़ द शैम्पू। और इन सभी प्रोडक्ट को जो जो मैंने नहीं मंगवाए हैं बड़े पैकेजिंग, उनको मैं छोटे पैकेजिंग है उन्हें ट्राई करूँगी, और अगर ये मुझे अच्छे लगे तो मैं इनकी बड़ी पैकेजिंग भी मंगवाने वाली हूँ। तो देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं। एंड अनादर, तो इन सभी पाउचेस में जो है ना 3-3 प्रोडक्ट हैं बेसिकली। और नेक्स्ट है नरिशिंग हेयर ऑयल, मेथी का, भृंगराज एंड कोकोनट ऑयल है इसमें, आप देख सकते हैं। और छोटी सी बॉटल है, काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, बिल्कुल ट्रैवलिंग के लिए काम आएंगी। सो माई अनादर प्रोडक्ट इज़ हेयर कंडीशनर, हालांकि मैं हेयर्स पे कंडीशनर यूज़ करती नहीं हूँ, मैंने अभी तक अलग से कोई कंडीशनर परचेज नहीं किया है कभी भी। जो पाउचेस मुझे सैम्पल के मिलते हैं जब भी यूज़ करने का मन होता है उन्हीं से मेरा काम हो जाता है, बट अभी तक, और मेरा ये सोल्ट्री का फर्स्ट कंडीशनिंग होगा जो मैं एसएच ट्यूब फॉर्मेट में यूज़ करूँगी। तो देखते हैं कि कंडीशनर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बिकॉज मेरे वो काफ़ी लॉन्ग हेयर है और लॉन्ग हेयर पर कंडीशनिंग करना मतलब इट्स सो रिस्की। कंडीशनर इतना अच्छा हर्बल हो तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा बालों के लिए हार्मफुल होता है। और मैं कंडीशनिंग के लिए बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशनल देसी नुस्खे ट्राई करती हूँ। सो अगर आपको हेयर कंडीशनिंग के लिए नुस्खे चाहिए, आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके साथ अपनी होम रेमेडीज ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था सोल्ट्री का 25 ग्राम हेयर कंडीशनर, और ये था मेरा फेस हेयर केयर का पाउच। तो दीज ऑल आर माई पाउच, सो दीज ऑल आर माई प्रोडक्ट, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, और बिल्कुल डेफिनेटली मैं इन्हें यूज़ करके आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरा इनको लेकर क्या रिव्यू रहता है। सो दिस इज़ द माई ऑल प्रोडक्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ माई ऑल प्रोडक्ट, हाथ में आ नहीं रहे ढंग से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो के बारे में पता चल जाए। तो चलिए बाय बाय, अब हम मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।